不会是 Ken， 根本就进不好。我呢？我呢 ？OK， 我是我这帮人写的，这帮人来 family 写的，对不对？就首先，第一，要从人里面来，哈，第一个这个。मुझे तो बेसिकली मुझे यहाँ का क्या एक्साइट कर रहा है जो मैं अंदर जाके पता करूँगा वो अमेरिकन फूड जो है बेसिकली मुझे अमेरिकन फूड बहुत अच्छा लगता है लेकिन अच्छा अमेरिकन फूड हमारे यहाँ बहुत कम मिलता है तो बॉम्बे में तो बहुत ज़्यादा कम मिलता है मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन अच्छा कम मिलता है चंडीगढ़ में एक बहुत माइंड ब्लोइंग जगह है वहाँ बहुत बढ़िया अमेरिकन फूड मिलता है तो ये मैं बेसिकली चेक करने आया हूँ यहाँ पे कैसा मिलेगा आज हमें समझाने कि आप यहाँ पे कुछ आपका फेवरेट या अमेरिकन फूड मैं देखना चाहता हूँ किस किस किस्म का अमेरिकन फूड यहाँ पे मिलेगा क्योंकि अमेरिकन फूड अच्छा ना हो तो बढ़िया नहीं होता तो आई एम श्योर जिस किस्म की यहाँ पे रेपुटेशन है तो आई एम श्योर अच्छा ही होगा और डिफरेंट लुक है आपका लाइक असली है सब ये कोई एज ऐप ऐप एज है किसी अपकमिंग प्रोजेक्ट है कोई आपका हाँ जी ऐसा कुछ है वो भी ऐसा असली होने वाला है कि आप बताइए मैं उसके बारे में तो बात नहीं अभी कर सकता मैं बहुत फिल्म है वेब सीरीज है अभी कुछ नहीं बोलूँगा जब हो जाएगा इंशाल्लाह तब बता दूँ ओके बस रियल लाइफ मुझे आई लव फूड यार मुझे खाना बहुत पसंद है और मीठा तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है हद से ज़्यादा लेकिन आई थिंक पिछले 8-10 सालों से कोशिश यही रहती है कि घर का खाना मुझे बेस्ट सूट करता है और बाहर हम उसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे खाना बहुत ज़्यादा बढ़िया हो ओके डे टू डे लाइफ में बहुत ही बिजी रहती है तो जब अभी जब कभी भी आप टाइम निकालते हैं फॉर फैमिली आप जब लेके आते रहते हो तो क्या प्रायोरिटी रहती है मेन चीज़ जो होनी चाहिए जब आप क्योंकि हमारी हमारी बेटी है 7 साल की तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि बच्चे के लिए माहौल कैसा हो वहाँ पे तो वो मिलने बहुत ज़रूरी है और दूसरा खाना बताइए कि जब भी इस तरह के रेस्टोरेंट में आप जाते हैं yes. तो सबसे पहले किस चीज़ की शुरुआत होती है शुरुआत तो आज फैमिली के साथ है बिकॉज ये मेरे बहुत क्लोज ब्रदर का रेस्टोरेंट है जैसे कि आप सब लोग जानते हैं गौरव जेपलानी का तो दिस इज़ अ फैमिली इवेंट विथ क्लोज फ्रेंड्स वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर वेरी क्लोज फ्रेंड्स टू कम एंड अटेंड एंड गिव देयर जेन्युइन फीडबैक अबाउट द प्लेस खाना बहुत अच्छा है दारू बहुत ज़्यादा अच्छी है और मेन यू एस पी यही देखा जाता है बेसिकली फूड सो फूड इज़ फैंटास्टिक वी हैव ग्रिल्ड किचन विच इज़ अगेन इफ़ यू टॉक अबाउट healthy so lot of good varieties of non-vegetarian with grilled food and the best part about the place what we have the main USP is that we are serving 21 different varieties and flavors of shangrias so that has white wine that has red wine that has all the different rose wines also so something different which is definitely there exclusivity 2-3 cheezon ko leke jaise maine aapko bataya उसको है शांग्रियास को लेके है फूड द सॉसेज एंड एवरीथिंग इज समथिंग वेरी डिफरेंट व्हाट एवरीबॉडी वुड एंजॉय द मेन पैनल लेकिन आप पर्सनली किस तरह के फूड पसंद करते हैं मैं पर्सनली यार देखो मैं बहुत फूडी हूँ मतलब बहुत ज़्यादा वो हूँ बट टेस्ट वाइज मेरा कुछ ऐसा स्पेसिफिक है नहीं अगर इंडिया के रीजन में है तो वो डिपेंड करता है अगर क्रेविंग हो रही है बट आई एक्चुअली मैं हर एक चीज़ खाता हूँ बट हाँ इतना है कि थोड़ा थोड़ा खाता हूँ सो दैट समथिंग क्रेविंग भी हो जाती है इच्छा भी पूरी हो जाती है और ऐसा स्पेसिफिक यार बेस्ट तो जो मिस करना वो रेगुलर बेसिस पे होता है वो माँ के हाथ का खाना ही होता है वो भले एक प्लेन चपाती घी वाली या बिना घी वाली बना दे बोलो बिना घी वाली बनाना है तो वो चपाती के नीचे लगा हुआ रहेगा पता नहीं चलेगा ऊपर नहीं लगा हुआ रहेगा सो दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट पता रहता है ऐसे पलट के देखते हैं कि हाँ नीचे घी लगा रहेगा तो यार दिस इज समथिंग मुंबई में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं ऐसी कौन सी चीज़ रहेगी जो कस्टमर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी जैसे मैंने आपको बताया वेराइटीज़ एंड द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ शांग्रियास गौरव सो
here is the question which almost I have answered everything about us. That what is the major different thing what we have about a restaurant? So I'm talking about the sangrias. Yeah. So he will brief you more about it. No, so we've done a lot of different things. We are doing 21 flavors of sangria for the first time in India. Yeah. No one's done it. We're the ones to get in the red bun burgers, the white bun burgers, and all these are made of proper vegetable extracts, not of color. Portuguese, we are the first people to get in the amazing Portuguese food, peri-peri chicken. So it's a tie-up with Barcelos. Their peri-peri signature sauces are there. So the menu is amazing. We are serving every palate and the food is yum. You guys should really come and taste it. Thank you, sir. And you guys are coming here. 200 people are coming here. You guys are here. So I'm saying that. You guys are going nowhere. आराम से रुको आराम आज 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 हम लोगों के पास 1 बजे तक की लीगल परमिशन है तो सब लोग इधर ही रहने वाले हैं सो यू विल गेट टू मीट फ्यू क्लोज फ्रेंड्स एंड अब वो क्या पार्टी के बाद तो रिव्यू ले नहीं पाओगे वो जस्टिफाइड है सो या थैंक यू वेरी मच और आपने आज न्यूज़ देख ली होगी इनकी नहीं क्या न्यूज़ देखी हमने थैंक यू सर थैंक यू मैम जी यू नो गुड फूड गुड लाइफ आई थिंक वो मंत्र होता है सबका हम खुशी में अपने परिवार के साथ अपने दोस्तों के साथ यू नो वी वांट टू गो आउट अच्छा खाना खाना चाहते हैं अच्छे रेस्टोरेंट में सो इट्स अ गुड टाइम सेलिब्रेटिंग गुड टाइम्स टुगेदर मेरे दोस्त का है तो जस्ट सेलिब्रेटिंग इट ऑल टुगेदर वेल मैं टेस्ट करूँगा थोड़ा थोड़ा सब कुछ चाहूँगा सब टेस्ट करूँ आई एम अ बिग फूडी आई एम अ पंजाबी सो आई एम अ फूडी बाय हार्ट मैं कपूर हूँ तो खाना मेरे रगों में तो मम्मी के खाने से लेकर बाहर का खाना सब कुछ ट्राई करना चाहता हूँ ओके आल्सो लाइक टू कांग्रेचुलेट बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला जुड़ा कहेगा जी थैंक यू कैसे रिस्पांस मिले पहले तो ये जानना चाहिए जी रिस्पांस इज ग्रेट पीपल आर लाइकिंग इट बहुत सारा लाफ्टर रिएक्शन थिएटर हॉल्स में सुनने मिल रहा है सो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट टू डू फॉर द फिल्म ओके इसके अलावा वेब सीरीज पे आ रही आपकी जी जी बहुत ही एक्साइटेड लोग भी आया जी जी उसके बारे में अगर बता सके और हाउ एक्साइटेड यू आर बिकॉज़ आई थिंक योर डेब्यू विद अ वेब सीरीज नो आई हैव डन अ कपल ऑफ थिंग्स सो दिस इज अभी मैंने उनकी पूरी शूटिंग कंप्लीट नहीं की है सो एक बार कंप्लीट हो जाएगा ओनली देन आई एम अलाउड टू स्पीक अबाउट इट सो आई एम गोना वेट फॉर दैट टू हैपन ओके अदर देन दैट एनी प्रोजेक्ट यू लाइक टू शेयर वेल देर आर अ कपल ऑफ देम राइट नाउ सो आई एम जस्ट वेटिंग के एक बार कन्फर्म हो जाए उसके बाद आई बी एबल टू शेयर विद यू आई एम श्योर बहुत सारे मेरे कॉमन दोस्त हैं तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो हम साथ में करेंगे मस्ती करेंगे थैंक यू हमेशा दोस्तों के लिए तो ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है यू नो गौरव की बड़ी दिली तमन्ना थी टू ओपन अ रेस्टोरेंट बार एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट इतने सालों बाद ही इज बीन प्रेपिंग फॉर इट एंड दे फाइनली ओपन अ वेरी हैप्पी फॉर इट मैं एक्चुअली काफ़ी टेस्टिंग्स के लिए आ चुका हूँ यहाँ पर क्योंकि बड़े करीबी मित्र हैं गौरव मेरे तो आज आई एम एक्साइटेड आई एम एक्साइटेड गो आउट मैं बहुत बड़ा फूडी पंजाबी आदमी हूँ यार पंजाबी आदमी से पूछना ही बेकार है क्या फूडी हो कि नहीं हो हाँ जी बहुत आप लोग का वर्क बहुत लोड होता है और कभी भी संडे को जब आप बाहर जाते हैं रेस्टोरेंट में तो
प्रायोरिटी रहती है पहले जो जो भी आप रेस्टोरेंट में जाते हैं? प्रायोरिटी इन टर्म्स ऑफ आई थिंक बैलेंस ऑफ एवरी थिंग यार, एक अच्छा एम्बियंस होना चाहिए, एक खाना अच्छा होना चाहिए, तभी मज़ा आता है। ज़रूर आप जल्दी देखेंगे, तो जब आएगी तभी देखेंगे। बहुत मजे होने वाले हैं यार, जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग अप एंड हैविंग अ गुड टाइम। थैंक यू भाई, थैंक यू। Look camera. Yeah, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Crash. फ्री का खाना, फ्री की दारू सैटरडे नाइट में मिल रहा है, इससे बेटर हो ही नहीं सकता है कुछ। जोक से पार्टी यार, हमारी फ्रेंड की जगह है, वेरी हैप्पी फॉर हिम एंड दैट्स व्हाई उसको सपोर्ट करने आए हैं। बॉम्बे में आई थिंक एक ऐसी जगह जैसी है, उससे बेटर बिजनेस नहीं हो सकता करने के लिए, और अगर मेरे फ्रेंड ने किया तो वेरी हैप्पी फॉर हिम। देखिए अभी ये तो मैं नहीं बता सकता कितना एंजॉय करने वाला हूँ, लेकिन वो तो अंदर जाके पता चलेगा। रास्ते में बहुत, हाँ अभी रास्ते में तो बहुत एंजॉय, सैटरडे नाइट हो या कोई भी नाइट हो, बट आई थिंक द ओकेजन इज कि एक एक्टर दोस्त एक जगह वेंचर कर रहा है, इट्स अ न्यू फील फॉर इट। वी विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट एंड दैट इज व्हाई वी आर हियर टू सपोर्ट हिम एंड हिज बिजनेस डू रियली वेल। अगर हम एक्टर ना होते तो हम लोग बहुत मोटे होते, ये बात तो पक्की है। अभी भी मजबूरी है, वरना मौका मिले तो ना हो। मतलब नॉट दैट कि अभी भी कुछ छोड़ते हैं खाने में, बट बहुत ज़्यादा फूडी है, पंजाब से हैं यार दोनों हम लोग, तो पंजाबी आपको पता ही कैसे होते हैं। तो ओके, आप एक्सेस की बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल होती है, तो जब भी टाइम मिलते हैं आप जब रेस्टोरेंट जाते हैं तो क्या प्रायोरिटी रहती है जब भी आप रेस्टोरेंट कोई भी रेस्टोरेंट जाते हैं? देखिए अगर हम लोग अच्छे तरह जिम नहीं कर रहे तो कुछ भी खा सकते हैं। हाँ बट हाँ, पंजाब कुछ नॉर्थ फूड मिल जाए, जितना देसी, मैं बहुत देसी खाना प्रेफर करता हूँ, बट वन थिंग विच आई कैन ईट एनी टाइम इज चिली चिकन एंड तंदूरी रोटी। तंदूरी आपकी बहुत जल्द आने वाली यार, फिल्म पूरी शूट पूरा रेडी हो चुका है, एडिट भी ऑलमोस्ट डन है, लास्ट मोमेंट अपना वी एफ एक्स वो सब चल रहा है, डबिंग शुरू हो जाएगी किसी भी मोमेंट। आई थिंक हम गेसिंग अराउंड सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर टाइप्स फिल्म रिलीज देख रहे हैं। फर्स्ट फिल्म है तो ऑब्वियसली रियली लुकिंग फॉरवर्ड, बाकी तो ऊपर वाले गए। थैंक यू। आई थिंक आज की शाम बहुत मज़ेदार रहेगी, बिकॉज गौरव अच्छा दोस्त है एंड नई शुरुआत कर रहा है, एंड प्लस चका चौंक को देख के लगता है कि मज़ा बहुत आएगा, एंड प्लस आज सैटरडे नाइट है तो शनिवार रात ही, तो वैसे ही सबको मज़ा आता है। कोई कर रहे थे रियल लाइफ में कितने फूडी है? मैं बहुत कम यार, मतलब एज इन इस प्रकार के खाने का बहुत कम फूडी है, बट आई एम मोर ऑफ अ जंक फूडी, तो डाइट होती नहीं मुझसे, लेकिन हो सकता है जितना हो सके जितना परहेज मैं करने की कोशिश करता हूँ। इट्स ओनली अबाउट स्पेंडिंग टाइम विद नियर इंडिया वन, जब आप किसी के साथ रेस्टोरेंट जाते हो तो ऑब्वियसली लुक एट सर्विस एंड एम्बियंस, एंड अगर सर्विस एंड एम्बियंस ऑन पॉइंट है तो देन देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट।
जा रहा हूँ, अगर क्यों? जब मैंने आज ही इनफैक्ट एक पोस्ट किया है कि मैं क्विट कर रहा हूँ, बट ये है कि यहाँ नहीं, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे, लेकिन उनका साथ कभी नहीं छूटेगा। और मैंने हमेशा से एक ही चीज़ कही है कि मैं हूँ क्योंकि वो है, उन्होंने बनाया मुझे, मैं अपने आप कुछ नहीं बनाऊँ। जी बिल्कुल, इनफैक्ट जैसे कहते हैं ना कि मुझे लोग कहते हैं तुझे तकलीफ दुख नहीं हो रहा, क्योंकि मैं वैसे नहीं छोड़ा है, मतलब आप समझ रहे हैं, कुछ एक चीज़ आपके साथ इस तरह जुड़ती है कि आप से वो कभी अलग नहीं हो सकती, और वैसे मेरे लिए वो चीज़ है, वो कभी नहीं छूटेगी। मेंटली तो यार चल रही पायल टेली वर्ल्ड कप खिलाड़ी इतने सीजन हो चुके हैं और सब ने अपनी अलग 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 बातें बताई हैं, सो आई थिंक आई एम नॉट गोइंग विद एनी मेंटल बैगेज, मैं जा रहा हूँ एक साफ क्लीन माइंड के साथ, एंड वील टेक एवरी डे एज इट कम्स। यार मुझे नहीं पता वहाँ कौन से स्टंट होने वाले हैं, लेकिन स्टंट्स एक जो रश होता है, एक जो थ्रिल होता है, वो हमेशा से करने का मन था, एंड आई थिंक ऊपर वाले सुन लिए, तो आई थिंक देखेंगे। आज 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 इनफैक्ट अली और नताशा को मैंने इंट्रोड्यूस किया है। नहीं हाँ, पर अभी यार बार बार नचबली करूँगा तो लोग जूता नहीं मारेंगे। नहीं बट इंशाल्लाह अभी फिल्मी पर्दे पर डांस दिखाएंगे यहाँ के। थैंक यू। Thank you.